गैस ये अपाचे RTR 160 का व्हील है, गैस व्हील है इसमें, लेकिन हम इसमें बात करेंगे इसके वायरिंग की, कि इसमें वायरिंग का नंबर क्या होता है, और हम इसकी सर्विस कर रहे हैं तो इसके हम ग्रीसिंग करेंगे। चलिए इसकी सील खोलते हैं। सील से पहले अगर आपको दिखा दें हम इसका नंबर, तो ये देखिए आप, इसका नंबर है 6302Z, SKF कंपनी का ये वायरिंग है, ठीक है। चलिए इसको सील खोलते हैं, इसमें ग्रीस लगाते हैं। इसमें लोहे की सील है, वैसे अधिकतर नायलॉन की आती है। सो वैसे इसकी सील निकालते हैं, देखिए इसमें देखिए कंपनी से भी भरा हुआ आता है। इसकी हमने पहली बार डील खोल या खोला है, इसमें ग्रीस लगाएंगे। अगर हम सर्विस कराते टाइम इसमें वायरिंग में ग्रीस लगाते रहेंगे तो सूखे नहीं चलेंगे हमारे पहिए के वायरिंग, और ये सूखे ना चलने की वजह से जल्दी कटेंगे नहीं। तो ये हमें सर्विस कराने के बाद कराते हैं, अगर हम सर्विस कराते हैं बाइक की, तो हमें चाहिए कि हम इसमें ग्रीसिंग कराते रहा करें। गैस ये था इसका इधर का वायरिंग का नंबर, डिस प्लेट की साइड का, और दूसरी तरफ इसमें होता है छोटा वायरिंग, उसका बताते हैं आपको नंबर क्या है। अंदर वाला जो इसका गेज होता है वो सेम ही होता है एक्सल के हिसाब से। चलिए इसको अब चलिए इसको व्हील को पलटते हैं। साफ करते हैं पहले, आपको दिखाते हैं इसमें नंबर क्या है। इसमें इसका नंबर है 6602Z। वैसे इसकी सील खुल चुके हैं, देखिए इसमें भी ग्रीस भरा हुआ है, लेकिन ये कम हो रहा है, इसमें और लगा देंगे हम। तो इसमें भी हो चुका है, अब इस व्हील को हम फिट कर देंगे। तो ये थी गाइस जानकारी, इसको हमने व्हील में जो वायरिंग लगते हैं उनका नंबर बताया हमने आपको, एक है 6302, एक है 6602Z, ठीक है। तो सर्विस कराएं जब भी अगर आप अपनी बाइक की, तो उसमें चाहे कोई सी भी बाइक हो आपकी, उसमें आप इसको सील खुलवा करके ग्रीस लगवा लेंगे तो आपकी वायरिंग की लाइफ बढ़ जाएगी, उसमें जंग नहीं आएगी, सूखे नहीं चलेंगे, आवाज़ नहीं करेगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।